जर्मनी बेस्ड इंटरनेशनल चैनल BW उर्दू पे मेरी स्टोरी अपलोड हो चुकी है, यकीनन आपने देखी होगी। उसके बिहाइंड द सीन आपके साथ शेयर करने आई हूँ इस वीडियो में। बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाली है। सारा दिन हमने उनके साथ किस तरह से एक्सपेंड किया, सब कुछ इस वीडियो में है। बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाली है। चले जल्दी से धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप देख रहे हैं मिसेज जैदी इन द किचन। कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। इस वक्त जो है मैं आपको बिहाइंड द सीन दिखा रही हूँ, बस उसी की तैयारियाँ चल रही हैं। हम डेली करते हैं काम, वही उसमें बताना है। और चले देखते हैं क्या होता है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलेगा। चले वीडियो को एंजॉय करें। डबल सर्विंग, ये दोनों के एक ही तरह के डब्बे हैं। इसके अंदर मैंने कैंची रखी हुई है, स्टिकर रखे हुए हैं, इस पर इस तरह ये सामान रखा हुआ है। इसमें ये रखे हुए हैं मेरा चाट मसाले और नींबू वगैरह वो देने के लिए। और इस पे ब्राउन प्याज इसमें रखी हुई है, वजन करने की मशीन रखा हुआ है, ऑयल रखा हुआ है इसके अंदर मैंने, निहारी का ऑयल है, ये निहारी का ऑयल है। और मैं ढक के रखा हुआ है, बिरयानी रेडी हो रही है, उसके ऊपर जो लेयर में लगाती है वो है, उसको भी हम ढक देते हैं। बिरयानी का कौरमा रेडी हो चुका है, ये मैंने रात में बना के रख लिया था। हलीम चावल, दाल चावल, कड़ी चावल, लोबिया चावल, इसके लिए वही बिरयानी के लिए चावल हो रहे हैं, बाकी ये निहारी है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स कर रहे थे कि अपनी डेली रूटीन दिखाएं, आप सारा दिन किस तरह से मैनेज करती हैं, क्या काम करती हैं। ये वीडियो आपके लिए ही है। इसके अलावा मैं सुबह से जब बच्चे स्कूल जाते हैं, जब से लेकर रात तक जब रेस्टोरेंट ऑफ होता है, उसके दरमियान किस तरीके से सारे काम मैनेज किए जाते हैं और क्या क्या काम मैं करती हूँ, वो सब भी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। अभी यहाँ पर चावल बन रहे हैं, लाल लोबिया का सालन बन रहा है, चने का सालन बना है, बिरयानी बनी है और साथ बनी है बीफ नली निहारी। यहाँ पर आज हम हलीम भी बना रहे हैं, जिसकी तैयारी मैंने करके रख ली है। प्याज रख दी, लहसुन रख, हरी मिर्च पीस दी, ऑयल रख दिया है और ये सारे गंदम जो जो भी हमारा सामान होता है ना, ये मैंने सारा निकाल के बाहर रख दिया, जो भी चीजें मुझे इसमें डालनी है। अभी मैं देर हटाऊंगी और फिर ये बनाऊंगी। गोश्त मैंने इसके अंदर पहले से भी भिगो के रख दिया, इसमें गोश्त है और नलियां है, ये मैंने इसमें रख दिया मुझे पकाना है। और रेस्टोरेंट के लिए ये चने रेडी हो चुके हैं। ये संडे का दिन है और संडे को आपको पता है मैं अपने रेस्टोरेंट हलीम हो जाए बाय मिसेस जैदी पर जाती हूँ, तो उसकी तैयारी भी साथ साथ मुझे करनी है। बहुत ही टफ दिन था क्योंकि साथ साथ मुझे शूट भी करवाना था और हलीम भी बनना था, फूड पांडा भी ऑन था, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन जैदी साहब और बच्चे साथ थे तो वो भी आसान हो गया था। मुझे कपड़े सीने का भी बहुत शौक था, बच्चों के बगैर सीखे मैंने, बच्चे छोटे थे तो। इस तरीके से कौरमा बना के मैं यहाँ पर टेबल रख लेती हूँ और उसके ज़रिए मैं कौरमा जो है देग में डालती हूँ, जिससे बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। वैसे कौरमे की बोटियाँ मैं पहले घोट लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर यह था कि बहुत ज़्यादा देर हो रही थी तो मैंने इसी के अंदर डाल कर घोट लिया था। और जैदी साहब ने घोटा लगाया, बच्चों ने, मैंने, हम सब ने मिलकर घोटा लगाया। हलीम में बड़े बड़े पार्चे लेते हैं ना, तो इस वजह से आसानी से गोश्त घुट जाता है। और इसके अंदर जिस तरह से आपने देखा होगा नलियाँ भी डालती हूँ, जिससे बहुत ही अच्छा जायका आता है। जब कौरमा रेडी हो जाता है तो नलियों को मैं निकाल लेती हूँ और उसका रोगन इसमें शामिल कर देती हूँ। आप देख रहे हो कितना जबरदस्त ऑयल आया हुआ है इसके अंदर। वैसे तो कुकिंग ऑयल भी डलता है, लेकिन जो नलियों का रोगन होता है ना, उससे भी बहुत ही जबरदस्त का टेस्ट आता है और घोटने में भी बहुत ज्यादा आसानी होती है चिकनाई की वजह से। हलीम रेडी हो चुका था, अब इसको हम लगाएंगे जबरदस्त सा प्याज का भगार और फिर हम करेंगे तैयारी अपने दूसरे रेस्टोरेंट पे जाने के लिए। उस वक्त उनके सामने जो ऑर्डर आ रहे थे वो भी मैं बना रही थी और वो शूट भी साथ साथ चल रहा था। जैसा कि आपको पता है कि तैयारी मैं एक दिन पहले स्टार्ट कर देती हूँ अगले दिन की, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। जैसे बिरयानी बनाई है तो मैंने उसका जो सालन कौरमा है वो पहले बना के रख लिया, बस दम लगा दिया चावल बॉयल करके नेक्स्ट डे। निहारी भी पहले से हाफ कुक करके रख ली, वो भी मैंने फिर नेक्स्ट डे उसमें आटा मिला के भगार लगा दिया, तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से आसानी हो जाती है। फिर हलीम भी हमारा रेडी हो चुका था शाम तक। मिसेज जैदी हलीम की खास बात यही है कि उसको
काफ़ी ज़्यादा पकाया जाता है, टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा होता है, कौरमा भी काफ़ी ज़्यादा पकाया जाता है, बाकी दालों को बहुत ही अच्छा पकाया जाता है ताकि उसमें अच्छा सा लेस बन जाए। लेकिन हमें शूट करवाना था तो हमने वो टाइम पीरियड थोड़ा सा कम करके जल्दी से इसको हमने रेडी कर लिया था। अब यहाँ पर जो है सामने से कैमरा लगा हुआ है, शूट हो रही है, और एक तरफ से मैंने बच्चों को मोबाइल पकड़वा दिया था कि साथ साथ आप व्लॉग भी शूट करते जाओ, तो साथ साथ व्लॉग भी मेरा चल रहा था और मेरी शूटिंग भी चल रही थी। अगर आप मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, आपने मेरी स्टोरी नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जाकर जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। फिर मैं अपने YouTube के लिए शूटिंग कर रही थी तो उन्होंने वो भी शूट किया कि किस तरीके से आप शूट करती हैं अपने YouTube चैनल के लिए। ये सब मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल था क्योंकि बहुत सारी चीजें सब एक साथ आ गई, मेरा बर्थडे मंथ भी है, शूट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी, बस लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। अल्लाह ताला सबके रिस्क में बरकत दे, हलाल रोजी में बरकत दे, हम जो मेहनत कर रहे हैं नजर आ रही है मंजिल करीब करीब नजर आ रही है, इंशाल्लाह उस तक हम जरूर पहुंचेंगे। हम मिसेज ज़ैदी हलीम को एक बड़ा ब्रांड जरूर बनाएंगे और ये सब जो आपका टीम वर्क है वो इसी वजह से आप किसी मुकाम तक पहुंच पाते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आपको जिस तरह सक्सेस मिली हम भी चाहते हैं। भाई मुझे कोई सक्सेस अभी नहीं मिली है, इंसान का सीखने का अमल जो है ना वो मरते दम तक जारी रहता है, तो ये अभी कोई सक्सेस नहीं है, अभी ये स्ट्रगल ही है। हमारा जो मिसेज ज़ैदी हलीम है इंशाल्लाह एक इस्लामाबाद रावलपिंडी का बहुत बड़ा ब्रांड बनेगा और फिर पूरी दुनिया पे छा जाएगा इंशाल्लाह, ऐसा जरूर होगा क्योंकि जो आप इरादे कर लेते हैं और उसके अंदर कंटिन्यूसली आप लगे रहते हैं ना तो वो मंजिल आपको जरूर मिलती है। मतलब इसके अंदर ना कंसिस्टेंसी जरूरी है कि आप जो काम कर रहे हैं वो आप लगातार करते रहें, हिम्मत नहीं हारें। अब हम जा रहे हैं ब्लू एरिया हलीम हो जाए बाय मिसेज ज़ैदी पर, खाना हमने सारा पैक कर लिया है, अब वहां जाके कुछ शूट भी करवाना है, जो जो हम वहां पर करते हैं या हमने शुरू में जो स्ट्रगल की वो सब हमें इनको दिखाना है इस वीडियो में कि किस तरीके से ज़ैदी साहब और मैं हम लोग शॉप पर गए और वहां जाकर हमने सबको पंफलेट बांटे, जो भी गुजर रहा है सबको पंफलेट बांटे कि भाई हमारी शॉप है, क्योंकि हमारी शॉप थोड़ा सा बैक साइड के ऊपर है तो इसलिए हमने जो फ्रंट पर सारी शॉप्स हैं वहां पर गए और सबको बताया ये मेन्यू में हमारे पास होता है, आप ज़रूर ट्राई करें। और काफ़ी सारे जो ऐसे कस्टमर्स हैं जो शॉप वाले हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि आप मेरे पहले वीडियोज़ में भी देख चुके होंगे। कस्टमर्स आ रहे हैं तो मैंने इसकी भी वीडियो बना ली, फूड पांडा का ऑर्डर भी साथ साथ आ गया था, डायरेक्ट ऑर्डर भी आया था काउंटर पे, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यकीनन आपको ये सारी स्ट्रगल, ये सारी चीजें, वीडियो, मेहनत सब आपको नजर आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि प्लीज दूसरों की खुशी में खुश रहना सीखें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक और प्राउड मोमेंट कि मेरी बेटी जो है दूसरे नंबर वाली फसीहा अल्हम्दुलिल्लाह उसने गाड़ी चलाना सीख ली है, तो वो भी मोमेंट मैंने आपके साथ शेयर किया है इस वीडियो में। इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी चैनल पर, लेकिन एक नई और जबरदस्त वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।